पेट्रोल डीजल से चलने वाले जनरेटर तो आपने देखे होंगे, लेकिन आदमी के यूरिन से चलता हुआ जनरेटर आज देखेंगे। और एक ऐसी हॉरर फिल्म जिसमें एग्जाम में एक भी गलत जवाब देने पर स्टूडेंट को मार दिया जाता था। और एक ऐसा फेमस सिंगर जिसने ईबे साइट पर अपनी बहन को ही बेच डाला। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसी भी महिला है जो सिर्फ फाट यानी पाद मार कर ही करोड़ों कमाती है? जी हाँ दोस्तों, फाट मार कर करोड़पति बनने वाली इस महिला का नाम स्टेफनी माटो है, जो कि एक अमेरिकन यूट्यूबर और मॉडल है। ये महिला अपने फाट को जार में बंद करके बेचती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेफनी फाट बेचकर अब तक 1.5 करोड़ रुपए कमा चुकी है। मजे की बात यह है कि इसी महीने की शुरुआत में बहुत ज्यादा खाने के कारण इन्हें ज्यादा फाट मारने की कोशिश करने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। नंबर 18। दोस्तों, जब इंसान को इश्क हो जाए तो वो कुछ भी कर गुजरता है, फिर चाहे उसे बिजनेस क्लास में साल में 50 बार ट्रैवल ही क्यों न करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हम बात ही कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले शराब तस्कर समर घोष की। बिहार में शराब की तस्करी करने वाले समर घोष ने जब पहली बार फ्लाइट का सफर किया था तो तभी वो सोनिया नाम की एक एयर होस्टेस पर अपना दिल हार बैठा। इसके बाद इस बंदे ने उस एयर होस्टेस का दिल जीतने के लिए एक साल के अंदर ही सिलीगुड़ी से दिल्ली के बीच 50 से ज्यादा बार बिजनेस क्लास में सफर कर लिया। अपने सफर के दौरान ये एयर होस्टेस के लिए महंगे महंगे गिफ्ट भी ले जाया करता था। इसी शान और शौकत को देख कर एयर होस्टेस भी इस पर फिदा हो गई और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? शराब तस्करी के मामले में बिहार पुलिस के हाथ इस पर पहुँच ही गए और अब ये बंदा बिहार की जेल में कैद हो चुका है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। ब्रेड के जिस जले हुए टुकड़े को आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेड का ये टुकड़ा आज से लगभग 2000 साल पुराना है। जला हुआ ये ब्रेड साउथर्न इटली के पोम्पी शहर में मिला था। हैरानी की बात यह है कि इस ब्रेड को किसी इंसान ने आग में नहीं पकाया था, बल्कि 79 AD में हुए यूरोप के इतिहास के सबसे घातक माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गर्मी की वजह से ये पककर जल गया था। नंबर 16। कभी कभी जिंदगी में उठाया गया एक गलत कदम हमें एक नई मंजिल पर ले जाकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही एक घटना इंग्लैंड के रहने वाले 9 साल के कैड लोवेल के साथ हुई थी, जो कि 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहा था। लेकिन एक गलत टर्न लेने की वजह से वो 5000 मीटर की बजाय 10000 मीटर रेस ट्रैक पर आ गया। और हैरानी की बात यह है कि गलती से 10000 मीटर रेस में दौड़ने वाले कैड लोवेल ने ये रेस जीत ली। उसने इस रेस में कई एडल्ट कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ा था। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 15। दोस्तों, हमें पीठ के बल सीधे सोना बिल्कुल ही नॉर्मल लगता है, लेकिन ये स्पेशल तब हो जाता है जब आपको पता चलता है कि पीठ के बल सीधे सोने की ये एबिलिटी पूरी दुनिया के लाखों क्रिएचर्स में सिर्फ हम इंसानों के पास ही है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास पीठ के बल सोने की एबिलिटी होती है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14। ये घटना वर्ष 2019 की है, जब एमा स्कूल्स नाम की एक महिला अपने 6 बच्चों के साथ अपने घर में सो रही थी, तभी घर में आग लग गई। जलते हुए घर से अपने बच्चों को बाहर निकालने के दौरान एमा स्कूल्स बुरी तरह जल गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी स्किन जल रही थी, शरीर से आग के लपटे निकल रही थी, उनके बाल जल चुके थे। इनके बावजूद वो एक एक करके अपने सभी बच्चों को घर से बाहर निकालती रही। एंड इवेंचुअली वो अपने सभी 6 बच्चों को घर से बाहर सुरक्षित निकालने में कामयाब रही, पर वो खुद 93% जल गई। बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाली एमा स्कूल्स के ऊपर भगवान की कृपा हुई और बुरी तरह जलने के बावजूद चमत्कारिक रूप से उनकी भी जान बच गई। इस माँ के लिए दोस्तों वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 13। अमेरिका के साउथ सेंट्रल उताह में 108 एकड़ में फैला हुआ एक जंगल है जिसमें हजारों क्वैकिंग एस्पेन या पैंडो ट्री मौजूद है। और इन पेड़ों की खास बात यह है कि हजारों पेड़ एक्चुअल में सिर्फ एक है और इनकी उम्र हजारों साल है। ये सभी पेड़ जेनेटिकली आइडेंटिकल है और इन सभी पेड़ों का विकास एक ही मैसिव अंडरग्राउंड रूट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इन पेड़ों का सिंगल रूट सिस्टम एटलीस्ट 80,000 साल पुराना है, जो कि पैंडो को दुनिया का ओल्डेस्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। नंबर 12। वर्ष 2015 में अमेरिका के रहने वाले जॉयल बर्गर और एशले किंग ने शादी की थी। जॉयल बर्गर एंड एशले किंग दोनों के लास्ट नाम को मिला दे तो ये बन जाता है बर्गर किंग। अब जहाँ बर्गर किंग की शादी हो रही हो, वहाँ बर्गर किंग की एंट्री न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दोनों ने जैसे ही अपने एंगेजमेंट की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की तो बर्गर किंग की नजर इस पर पड़ी और वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनते हुए इन दोनों की शादी का मेजबान बन गया। जॉयल बर्गर और एशले किंग की शादी का सारा खर्च बर्गर किंग ने उठाया। चलो, नाम मिलने से इतना तो फायदा हो गया कि शादी का खर्च बच गया। नंबर 11। केन्या के एक चर्च में नए साल की नई शुरुआत करने के लिए बहुत सारे लोग जमा थे, लेकिन तभी चर्च का पादरी भगवान की ओर से नए साल का आशीर्वाद अनलॉक करवाने के लिए लोगों से पैसे मांगने लगा। पादरी जेम्स मुगो ने सभी चर्च मेंबर्स से 16,000 नैरा की मांग की,
जब लोगों ने पैसे देने से मना कर दिया तो तब उस पादरी ने धमकी दी कि वो न्यू ईयर्स ब्लेसिंग को अनलॉक नहीं करवाएगा और वर्ष 2022 उन सब लोगों को मुसीबत में काटनी होगी। इतना कहते ही खुद पादरी की मुसीबत शुरू हो गई और चर्च में सभी लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। बेचारे पादरी को खुद 16,000 नायरा देकर अपने लिए न्यू ईयर्स ब्लेसिंग को अनलॉक करवा लेना था। नंबर 10, ईबे पर अजीबोगरीब चीजों की खरीद बिक्री के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश सिंगर जेम्स ब्लंट ने एक बार इस वेबसाइट पर अपनी बहन को ही बेच दिया था। जहां ये वर्ष 2009 की घटना है जब उन्होंने अपनी बहन को ईबे पर ऑक्शन के लिए डाल दिया था। दरअसल जेम्स की बहन को आयरलैंड में एक अंतिम संस्कार में शामिल होना था, पर उस दिन एयरलाइंस वाले हड़ताल पर थे तो जेम्स ने ईबे पर इसका सलूशन ढूंढना शुरू किया। उन्होंने अपनी बहन को नीलामी पर डालते हुए लिखा कि जो कोई भी उनकी बहन को आयरलैंड ले जाएगा तो उनकी बहन उसके साथ डेट पर जाएगी। इस ऑफर के आते ही लोगों ने बिड लगानी शुरू की और फाइनली एक बंदा जिसके पास हेलीकॉप्टर था उसने बिड जीत डाली। वो जेम्स की बहन को हेलीकॉप्टर से आयरलैंड लेकर गया, फिर दोनों डेट पर गए, दोनों में प्यार हो गया और फिर उन्होंने शादी भी कर ली। नंबर 9, अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में देखी हो तो फिर आप लुमोस वर्ड से भी जरूर वाकिफ होंगे। ये वो स्पेल था जिसे बोलकर वेंट से लाइट्स प्रोड्यूस की जाती थी। क्या आपको पता है कि जादू की दुनिया के इस स्पेल को बोलकर भी आप भी लाइट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर यकीन ना हो तो अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट ओपन करके हे गूगल लुमोस बोलकर देखिए। ऐसा करते ही आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। नंबर 8, क्या आपने डेथ बेल मूवी देखी है? ये एक कोरियाई हॉरर फिल्म है। ये पूरी फिल्म एक स्कूल के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। इस फिल्म में एक परीक्षा के दृश्य को दिखाया गया है जहां क्वेश्चन के गलत आंसर देने पर एक एक करके स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही एक स्कूल रियल में हो तो क्या आप वहां पढ़ना चाहेंगे? नंबर 7, दोस्तों आपने फूड बैंक और बुक बैंक के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ड्रेस बैंक के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आप सुन लीजिए। केरल के एक टैक्सी ड्राइवर है नसर थूता, जिन्होंने एक ड्रेस बैंक बनाया है। चैरिटी के लिए बनाया गया उनका ये मॉडल गरीब और वंचित परिवारों को एक बार पहनी जा चुकी वेडिंग आउटफिट्स जैसे साड़ी, एंकल लेंथ स्कर्ट, लहंगे और ड्रेसेस देता है। बैंक ने अब तक 260 से अधिक दुल्हनों को उनके जीवन के सबसे खास दिन के लिए मुफ्त वेडिंग ड्रेस प्रोवाइड करवाई है। इस बैंक के पास वर्तमान में स्टॉक में 800 से अधिक कपड़े भी हैं, जिनकी कीमत 5,000 से 50,000 भारतीय रुपए तक है। कोई भी जरूरतमंद दुल्हन उनके पास जाकर मुफ्त में उनसे ये कपड़ा हासिल कर सकती है। नंबर 6, जापान ने एक बार फिर से दुनिया को चौंकाते हुए दुनिया का सबसे पहला रेल बस व्हीकल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। ये ड्यूअल मोड बस एंड रेल व्हीकल एक नॉर्मल बस की तरह सड़कों पर चल सकता है, वहीं जरूरत पड़ने पर इसे ट्रेन की तरह पटरी पर भी चलाया जा सकता है। ये एक मिनी बस जैसा दिखने वाला व्हीकल है जिसे रबर टायर्स द्वारा सड़क पर चलाया जाता है। वहीं इसके साथ इसमें स्टील के पहिए भी दिए गए हैं जो इसे पटरी पर चलने लायक बनाते हैं। इस व्हीकल में एक साथ 21 यात्री यात्रा कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप शाकाहारी हैं और चिकन से परहेज करते हैं तो फिर आगे चलकर आप इसका मजा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की जानी मानी अमेरिकी कंपनी KFC ने प्लांट बेस्ड चिकन तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है और अब वो ऐसे शाकाहारी चिकन से अलग अलग तरह की डिशेस बनाना शुरू कर चुकी है। कंपनी ने सबसे पहले ब्रिटेन में प्लांट बेस्ड चिकन बेचना शुरू किया है। KFC की ओर से बहुत ही जल्द आपको इंडिया में भी शाकाहारी चिकन खाने का मजा मिलेगा। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों की तरह चींटियों में भी आपस में बात करने के लिए सोशल नेटवर्क होता है। जी हाँ, लेकिन ये शब्दों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के बजाय वे एक दूसरे के मुंह में उल्टी करके आपस में बातचीत करती हैं। लाइफ साइंस में उल्टी की इस प्रोसेस को ट्रोफाल 6 कहा जाता है। नंबर 3, आपने डीजल से चलने वाले जनरेटर तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने मूत्र से चलने वाले जनरेटर के बारे में सुना है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अफ्रीका के 4 छात्राओं ने एक ऐसा जनरेटर बनाया है जो यूरिन यानी मूत्र से संचालित होगा। आपको बता दें कि इन सभी छात्राओं की उम्र 14 से 15 साल के बीच है। इन छात्राओं का दावा है कि उनका बनाया गया ये जनरेटर 1 लीटर यूरिन में 6 घंटे की बिजली देगा। नंबर 2, जब शादी की उम्र हो जाती है तो अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसके लिए कोई अखबार में तो कोई वेबसाइट पर विज्ञापन देता है, लेकिन एक शख्स ने तो हद ही कर दी। वो अपनी शादी के लिए इतना बेताब है कि उसने सीधा होर्डिंग पर ही अपनी शादी के लिए विज्ञापन लगवा दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूके के बर्मिंगम शहर में रहने वाले मोहम्मद मलिक ने अपनी शादी के लिए जगह जगह विज्ञापन को टंगवा दिया है। इतना ही नहीं, उसे शादी की इतनी ज्यादा बेताबी है कि उसने इसके लिए एक वेबसाइट सेटअप करवाई है जहां सिंगल लड़कियां उससे संपर्क कर सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इसे अपने लिए परफेक्ट दुल्हन मिलेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर 1, अब आगे जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे।